मोगा के एक प्राइवेट हस्पताल में डॉक्टर की अणगहली कर नवजम्मे बच्चे की मौत। परिवार ने डॉक्टर से कार्रवाई की कीती मांग, कहा बच्चे के सिर में सर्जरी दौरान डॉक्टर की अणगहली कारण होया सी वड्डा जख्म। पोस्टमार्टम तो बाद जो जांच रिपोर्ट आएगी उस अनुसार होएगी सख्त कार्रवाई। मोगे के प्राइवेट हस्पताल डॉक्टर की अणगहली कारण आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल अज मोगा के आरा रोड से आशा गोयल हस्पताल में वेखन मिले, जिथे परमजीत कौर पत्नी जगसीर सिंह वासी कुखराणा दाखिल कर लिया जाता है। 15 अप्रैल एक बच्चे का जन्म हों, 17 अप्रैल हस्पताल वालों बिल कट के अपने बनते पैसे लैके परिवार को छुट्टी दे दी जाती है। कहा जाता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, पर ज्यों ही बच्चे घर लै जाते हैं तो बच्चे दौरे पैने शुरू हो जाते हैं, जिसन वक् हस्पताल दाखिल करवाया जाता है। आखिर 24 अप्रैल बच्चा लुधियाने के अपोलो हस्पताल दम तोड़ जाता है। परिवार को पता लगता है कि उसकी मौत ज़्यादा खून वहन कारण होती है। सर्जरी दौरान बच्चे के सिर में टक लग जाता है, जिसन लैके परिवार थाना सिटी में पहुँचा है, बयान दर्ज करवा के कार्रवाई की मांग करता है। इस संबंध में मृतक बच्चे के पिता जगसीर सिंह ने दसा कि उसके बच्चे का जन्म 15 अप्रैल आरा रोड से आशा गोयल हस्पताल में होया है, जिथे ऑपरेशन दौरान बच्चे के सिर में टक लग जाता है। बच्चा बीमार होने तो बाद आरा रोड से बच्चों के माहर डॉक्टर अरुण अग्रवाल को दाखिल करवाया जाता है, जिसके हालात को देखते हुए उसे कोटपुरा ले रैफर कर दिया जाता है। कोटपुरा तो लुधियाने के अपोलो हस्पताल में दाखिल करवाया जाता है, जिथे खून ज़्यादा वहन कारण 24 अप्रैल बच्चे की मौत हो जाती है। परिवार का दोष है कि यह सब डॉक्टर की अणगहली कारण होया, डॉक्टर से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए है। मेरे बच्चे का जन्म 15 तरीक न आशा गोल मैडम दे कोल होया ही। उत्थे मेरे बच्चे मैडम ने सिर टक लाता, मैनू 16-17 तरीक मैं छुट्टी देती आ, क्योंकि इन्हें मेरे बच्चा टक मैं नहीं दसिया। जो हॉस्पिटल बच्चा बीमार हो गया, अरुण अग्रवाल से मैं बच्चा लै गया, जो उन्हें टक वेख्या उन्होंने मैं टक दसिया, मैं मैडम पूछा, मैडम ने कोई गल नहीं मेरी सुनी, मैं उन्हें रैफर कोटकपुरे करता जी। कोटकपुर चंडीगढ़ बच्चों हॉस्पिटल मैं बच्चा 4 दिन रखना पाया, उत्थे बच्चों का मैं जवाब मिल गया जी। मैं लुधियाने लै गया जी अपोलो च, उत्थे बच्चा मेरा ठीक नहीं होया, उन्होंने मैं छुट्टी देती, बच्चे राह चाहते मौत हो गई, तो जिम्मेवार मैडम है। बच्चे सैल घटे जी, किडनी कम छट गई, को सब सिर सट करके जो मैडम टक लाया सिर दे दिमाग ब्लॉक हो गया, जमा डेड हो गया जी। वह बच्चा बहुत बुरी हालत ना, जो मौत हुई बच्चे की मैडम जिम्मेवार आई है जी। की मांग करते हो? मैं यही मांग करा, मेरे बच्चे साहब बन गए, मेरा फिर फैसला जी मैडम से, मैंने बच्चा चाहिए होर, मैंने कुछ नहीं चाहिए। कि हॉस्पिटल है जिसमें आपका वाइफ का डिलीवरी हुआ था? आशा गोल जी, आरा रोड जी, मैडम आशा गोल दे होया ही। इस संबंधी मोगा के पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि परमजीत कौर पत्नी जगसीर सिंह 14 अप्रैल आशा गोयल के हस्पताल दाखिल होती है, 15 अप्रैल बच्चे का जन्म होता है, जिसन बाद हस्पताल में दाखिल करवाया जाता है, 24 अप्रैल मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि परिवार ने डॉक्टर खिलाफ़ बयान दर्ज करवाए हैं, बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल अभी पेरेंट्स के बयान लैके बच्चे का बोर्ड बना के पोस्टमार्टम करवावे, तो जो नतीजा आऊगा पोस्टमार्टम का उसके मुताबिक जो भी लीगल एक्शन बनता जिसके खिलाफ भी बनता होगा लवान। डॉक्टर की उन्होंने परिवार का कहना भी अणगहली कारण मौत हुई, डॉक्टर खिलाफ कार्रवाई की है? यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बाद ही क्लीयर होगा भी की रीज़न की है, एक्चुअल रीज़न की है डैथ का बच्चे का, जो रीज़न क्लीयर हो गया फिर उसके मुताबिक जो भी बनती है कार्रवाई होगी। मोगा तो भारत संदेश लिए भुपिंदर जोड़ा।